स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जयपुर से यह बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से यह बड़ी खबर, नगर निकायों में उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जयपुर से यह खबर है, 16 जुलाई तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे तो 17 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, साथ ही 19 जुलाई को नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि होगी। इसके साथ ही 20 जुलाई को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। तो ये जयपुर से हम आपको बड़ी खबर दे दें, नगर निकायों में चुनाव को लेकर ये तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 26 जुलाई को मतदान किया जाएगा। तो नगर निकाय के चुनावों के लिए ये तारीखों का ऐलान किया गया और 28 जुलाई को यह साफ हो जाएगा कि किसको जनता ने चुना है। तो अध्यक्ष पद के 2 और सदस्यों के 18 पदों के लिए उपचुनाव होंगे। तो 26 जुलाई को मतदान होगा और 28 जुलाई को मतगणना होगी, जिसके साथ रिजल्ट साफ हो जाएगा किसको चुना गया, कौन पास कौन फेल, इसका 28 जुलाई को ऐलान हो जाएगा। कुल मिलाकर जयपुर से यह खबर है, जहां पर नगर निकाय के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो 26 जुलाई को मतदान होगा, 28 जुलाई को मतगणना की जाएगी, उससे पहले नामांकन पर्चा दाखिल करना, चुनाव चिन्ह देना, इन सब की रिवायतों को पूरा किया जाएगा। तो 26 जुलाई को फिर मतदान होगा और 28 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। तो जयपुर से खबर है, नगर निकाय के चुनावों को लेकर ये खबर हम आपको दे दें, जहां पर तारीखों का ऐलान किया गया है। इसमें 18 सीट ऐसी हैं जहां पर 18 सदस्यों के लिए उपचुनाव होंगे, अध्यक्ष पद के 2 और सदस्यों के 18 पदों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर 20 सीटों पर ये चुनाव होना है, जहां पर 2 अध्यक्ष पद के लिए और 18 सदस्यों के पद के लिए उपचुनाव होगा, जिसमें 26 जुलाई को मतदान और 28 जुलाई को मतगणना होगी। तो अध्यक्ष पद के 2 और सदस्यों के 18 पदों के लिए उपचुनाव होगा, 26 जुलाई को मतदान होगा, 28 जुलाई को मतगणना की जाएगी। तो ये जयपुर से खबर है, जहां पर नगर निकाय के चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है। ये उपचुनाव होंगे, इन उपचुनावों में 2 अध्यक्ष पदों के लिए और 18 सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होगा।